नमस्कार दोस्तों, रिव्यू सपोर्ट YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रेगनेंसी के सातवें महीने में गर्भवती महिला के शारीरिक बदलाव क्या क्या आते हैं। इसके अलावा गर्भावस्था के इस सातवें महीने में गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी दिक्कतें आती है, उससे पहले आपको बता दूं गर्भावस्था के इस सातवें महीने में आपको जो भी दिक्कतें आएंगी वो आपके गर्भ में पल रहे शिशु के बढ़ते विकास की वजह से आते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी के इस सातवें महीने में गर्भवती महिला का वजन लगभग 5 किलो बढ़ जाता है और वजन बढ़ने के पीछे का कारण यह होता है कि उनके गर्भ में पल रहे शिशु का विकास काफ़ी तेजी से होता है प्रेगनेंसी के सातवें महीने में, जिसकी वजह से वजन बढ़ता है और उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपका जानना यह बेहद ज़रूरी रहेगा कि प्रेगनेंसी के सातवें महीने में आपको कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती है। तो इस वीडियो को आप पूरी जरूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए रिव्यू सपोर्ट YouTube चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि चैनल पर प्रेगनेंसी और उससे जुड़ी जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू और आपको बताते हैं गर्भावस्था के इस सातवें महीने में आपको कौन कौन सी दिक्कतें आने वाली है। तो सबसे पहली दिक्कत है आपका वजन। आपको बता दूं गर्भाशय का वजन बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका वजन तकरीबन 5 किलो बढ़ जाता है गर्भावस्था के इस सातवें महीने में, जिसकी वजह से आपके पेट पर खिंचाव के निशान ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं। दूसरी बदलाव और परेशानी, प्रेगनेंसी के इस सातवें महीने में आपके स्तन पहले से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और निप्पल के आसपास का जो कलर होता है वो गहरा काला दिखाई देने लगता है प्रेगनेंसी के इस सातवें महीने से। तीसरी परेशानी, प्रेगनेंसी के इस सातवें महीने में आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में सूजन आ जाते हैं। सूजन अधिकतर आपके हाथ और पैरों में आते हैं। तीसरी परेशानी, प्रेगनेंसी के इस सातवें महीने में आपके पेट का वजन लगातार बढ़ता है और आपके पेट का भी आकार बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको झुककर कोई काम करने में या थोड़ा झुककर चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे अगली परेशानी। तो प्रेगनेंसी के इस सातवें महीने में आपका वजन बढ़ता है, आपके वजन बढ़ने की वजह से गर्भवती महिलाओं को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, इसलिए आप सुबह उठकर प्रेगनेंसी के सातवें महीने में सांस से जुड़ी एक्सरसाइज जरूर करें, ताकि आपके शरीर में और आपके गर्भ में पल रहे शिशु में किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी न रहे। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे अगली परेशानी। प्रेगनेंसी के इस सातवें महीने में गर्भाशय नाभि के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, और अगर आपका नाभि गर्भाशय के ऊपर आ जाता है तो इसकी वजह से आपको सोने में भी तकलीफ हो सकती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप दाई करवट लेकर सोएं, यह आपके लिए काफ़ी बेहतर पोजिशन रहेगा गर्भावस्था के इस सातवें महीने से रिलेटेड। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे अगली परेशानी। तो प्रेगनेंसी के इस सातवें महीने में आपका वजन बढ़ता है, वजन बढ़ने के साथ ही आपके गर्भ में पल रहे शिशु का डेवलपमेंट भी तेज़ी से होता है, और डेवलपमेंट तेज़ी से होने की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा भूख लगते हैं, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी के इस सातवें महीने में आप भूख को बर्दाश्त न करें। जब आपको खाने की इच्छा हो तब खाना जरूर खाएं, इससे आपके शरीर को नियमित रूप से पोषण मिलता रहेगा और आपके गर्भ में पल रहे शिशु का डेवलपमेंट भी होता रहेगा। तो यही सब थे आज की इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती है। आप वीडियो को लाइक करें और आज के इस वीडियो को शेयर जरूर करें।